भारत कथाओं आख्यानों का देश है। आख्यान जो लिखे गए, आख्यान जो वृहद वाचिक परंपराओं के तहत एक स्थान समूह से चलकर दूसरे स्थान समूह तक यात्रा करते रहे, अनवरत यात्राओं के अनंत आख्यान। राजा जन्मेजय के प्रति महामुनि व्यास नारायण कहते हैं, राजा जन्मेजय, अरे अर्जुन जब जाते हैं द्वारिका में तो भगवान द्वारिका में डुबा करके द्वारिका ला और शिला में जाके एक ठन पथरा में बैठ रहा है। व्याध नाम के शिकारी शिकार करते भगवान के पैर में पद्म के चिन्ह, अरे वो जानी मृगा और मारे ते ही बाना। वाचिक परंपराएं लिपिबद्ध होंगी और लिखे आख्यान गाए गुनगुनाए जाते रहे। पात्रों में मानव और मानव में नायकत्व की खोज आज तक जारी है। कथा महाभारत ने भी अपने कदमों के निशान यहाँ वहाँ छोड़े हैं। पंडवानी महाभारत का एक जनजातीय आख्यान है। पंडवानी अर्थात पांडवों की वाणी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य लोक रूपों की तुलना में ये सबसे नया प्रदर्शनकारी कला रूप है। इनके इस आख्यान का नायक अर्जुन नहीं, भीम है। युद्धान के बात ले सुनी जरासन हाथ जोड़ के कहे, ये तीनों मूर्ति में नर नारायण ये कौन यो बस मुलाय असल रूप देखा दे। भगवान कृष्ण जी अपन रूप में आ गए, अर्जुन अपन गांडी धनुष लेके आ गए, गदाधारी भीमसेन हाथ में गदा लेके आ गए। तो जरासन कहे, हे कन्हैया, तोर संग भाग जाने वाले प्राणी के साथ मैं दोबारा लड़ाई नहीं करूं यार। हाँ, थोड़ा से गदाधारी भीमसेन है। भीम के बात सुनी से ही कहके तो भीम उठा हाथ में गदा, गरज के भीम से ला ले। एक मान्यता के अनुसार पंडवानी गोंडवानी का ही परिष्कृत रूप है। गोंड प्रधान गायक अपने यजमानों को यह कथा गाकर सुनाया करते थे। यह वाचिक आख्यान गोंडवासियों से घुमंतु देवारों ने सुनी और इसे वे छत्तीसगढ़ ले आए। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों जनजातियों तथा संप्रदायों के लोग जैसे प्रधान, देवार, निषाद, बहेलिया, कंवर, सतनामी आदि पंडवानी को गाकर गौरवान्वित होते हैं। पंडवानी केवल कथा वाचन मात्र नहीं है, इसमें पंडवानी गायक हाथ, चेहरे और आंखों की संवेदनशील भंगिमाओं के रूप में अभिनय द्वारा नाटकीयता का सृजन करता है। किस्सा सुनाते सुनाते गायक गाने लगता है और संगीतकार उसका भरपूर साथ देते हैं। ताहूता ते हरण यवती है तही
खंडवानी की दो प्रमुख शैलियां हैं, वेदमती और कापाली। वेदमती के गायन को गाने वाले गायक इसे शास्त्रोक्त कहते हैं और कापालिक शैली के गायक गायिकाओं ने प्रयोग धर्मिता को भी अपने गायन में शामिल किया है। वेदमती शैली में कथा को अधिक अंग एवं कापालिक शैली अभिनय प्रधान है। धर्मराज बोले हम ब्राह्मण के ओर चले, भीमसेन बोले क्या हमर मन के खुर्सी नहीं है, धर्मराज बोले बिल्कुल नहीं, खड़े खड़े देख, कृष्ण जी चारों तरफ नजर लगा के देखे, पांडव ले पांचों भाई प्रणाम करे तो श्री कृष्ण जी ले आशीर्वाद दे पर बड़ा मुश्किल होवे के का अपन कुर्सी में बैठ के और भगवान कृष्ण जी हाथ ले उठो के और धीरे धीरे आशीर्वाद देगा भाई। प्रारंभ में पंडवानी गायकी में केवल तंबूरा और करताल का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे अन्य वाद्य भी बजाए जाने लगे। पंडवानी कोई पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, कुछ गायकों ने अपनी रुचि तथा प्रदर्शन की जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी वेशभूषा विकसित की है। पंडवानी का सर्वाधिक सबल पक्ष है इसका लचीलापन। अन्य वाचिक परंपराओं की तरह ही नए गायक पुराने गायकों को सुन सुनकर गाने लगते हैं। विधिवत गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। इस दौरान इतना जरूर हुआ है कि इसे सबल सिंह चौहान ने लिखित रूप देने की कोशिश की है। अरे तुरंत निकाले रथ, अब एक हाथ में बागडोर और दूसरे हाथ में चाबू, अरे उठा के मारे घोड़ा ला चाबू। वेदमती गायकी में झाड़ूराम देवांगन का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने पंडवानी की बारीकियों को गहराई से समझा है और वे इसे अपने गायन में सशक्त ढंग से प्रस्तुत करते हैं। महावीर अर्जुन आशुतोष बांध प्राप्त करते हैं, पार्श्वद बांध प्राप्त करते हैं। गुरु तो मानते सब हैं, पर उनको शिष्य के भाव से मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? कि उनको तो मैं सिखाया नहीं हूँ, सब अपने अपने इच्छा से, चाहे पुस्तक से सीखे हों या सुन के सीखे हों, पर सीखे हैं, पर मानते उन लोग जरूर हैं, पूजा भी करते हैं और सब कलाकार समूह हो करके और फंक्शन भी करते हैं, 10-5 हज़ार रुपये खर्च भी करते हैं। पर मैं उनको कहता हूँ कि भैया तुम उसको गुरु मानो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। उसको चेतन लाल अपने आप को झाड़ूराम देवांगन के शिष्य के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी गायकी में ऊर्जा और उत्साह के दर्शन होते हैं। मैं 18 पर्व के तो अनुभव है साहब,
एमा कोनो कोनो बात हर तथा कथित है। जैसे कई बात कथा जो ना थे, जैसे पांडव मन जात रहें तो रस्ता मामा पेड़ पड़ीस तो प्यास के मारे व्याकुल रहीस तो आमल टोरीस वहा और खावत रही तत्कर भगवान कृष्ण कहीस कि आमा थे मत खा कावर ये आमा के फल के रखवारी साधु करत। तो एक कथा महाभारत में नहीं लिखा है, कुछ बात महाभारत में नहीं लिखा है, दोनों बात ला अपन लोक रंजन के लिए अपन पेश करते हैं। मंच में ताव देके कही तो जदरथ कि अरे बेटा ते ये लड़ाई के लायक नहीं है, ते कल्याण चाहत है तो लौट जा। अभिमन्यु ऐसे बाण खींच के मारे सलागे जदरथ वीर हा मूर्छा हो गया। और दूसरा दरवाजा में द्रोणाचार्य, तीसरा दरवाजा में करण लपार करके चौथा दरवाजा में अरे हाँ के मारे बालक वर्मा ने वेदमती गायन शैली का मार्ग प्रशस्त किया है। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब गांव में तो मतलब कथा सुनने वाले ज़्यादा रहते, जैसे सियान है वो गांव में मतलब बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा में कथा बोलना है, सुनाना है तीन तीन घंटा तक के। और जो शहर में है तो शहर में शहर के हिसाब से मतलब बोलने पड़ते, जैसे अब कोई छत्तीसगढ़ी समझ नहीं पाते तो ओकर लिए हिंदी मिक्स करके बताने पड़ते। भैया अब ओकर तो लाज बचाने वाला प्रभु के छोड़ तो कोई नहीं हो सकी। द्रौपदी तो पहली मुट्ठी बांध के सब के पास जा जा के पुकारे पर कोई लाज बचाने वाला नहीं। जाके कतका सुंदर अपन पांचों पति की आशा करे, अरे पांच पति के रहते हुए मोला कुछ नहीं हो सके, पर पांच पति के रहते हुए द्रौपदी के एक साड़ी पकड़ ली पर पांच पति कुछ नहीं बोल सकी। तब मुट्ठी खोल के और दोनों हाथ जोड़ के श्री कृष्ण ला बोले का है प्रभु अब तो आके लाज बचा ले, ए दे जल्दी आना मोहन। दोनों हाथ जोड़ के द्रौपदी बोले का है प्रभु हे मुरली मनोहर मोर लाज बचाना किया। कापालिक गायन शैली के जनक के रूप में तीजन बाई को जाना जाता है। सखी मन बोले निराश मत हो, निराश मत हो, एकदम हट्टा कट्टा है भाई, ब्राह्मण कस नहीं लागे। अनेक प्रकार लड़कियां चर्चा करत रहे, देवी द्रौपदी नजर फैला के देखे और झट ले अपन माला लेके देवी चली अकेली। हाथ ले वरमाला धीरे धीरे चलिया नीचे ऊपर देखा लेकर बरमाला द्रौपदी हटा लगेगा
ज्यादा मतलब भीमसेन के जो गरजना और ओकर ललकार ओकर चिल्लाई ओकर आवाज और जब करुण रस में डूब जाते हूँ तो द्रौपदी के जुन बिला कष्ट अभी भी है। जैसे अपना अपन मन सोचा था कि पहली ही राजा द्रोधन रही से और दुशासन खींच के लाई। अभी तो गांव गांव में कहीं ना दुशासन और कहीं राजा द्रोधन तैयार है और नारी मन के दुर्गति होते रहते। पर वो चीज़ में मोला बहुत आनंद आते जब द्रौपदी के रोल में आ जाता हूँ और लड़ाई के समय जब भीमसेन के रोल आते तब मोला आनंद आते। यह दूसरे पात्र बहुत है और ज़्यादा आनंद है। मैं तो सोचत रहे भीष्म पितामह गुरु द्रोणा के हाथ से मीन मुश्किल से बांची ही। अरे धिक्कार है मर जिंदगी में एक ब्राह्मण देवता भीख मंगा द्रौपदी ले लेगे 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 रे मोरनी ले लेगे 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 जी वहां दे दी ले लेगे या द्रौपदी भैया ले ले मंगलाचार मना तोर मुरली भगवान भोलेनाथ खुश हो गए कहे कि कहीं से हिलमती कैसे आए कैसे महाराज मुलाते फूल के धोखा में मरे हुए पति के वरदान दे रहे अगर मोला पति ये दे मिलेगा हावे। उनाराम निषाद ने पंडवानी की एक अनूठी शैली विकसित की है। गौरा धुन है जिसे पंथी धुन है या जिसे बिहाव धुन है ये बीच बीच में कभी कभी मैं उपयोग करता हूँ। बाकी पंडवानी की जो धुन है ना जो पाँच साठक वही लब मैं यहाँ धुन में बांध के भी लगाता हूँ। बाहरी जो है खुद के लिखे हुए गीत है या कि अन्य से सीखे हुए है वोला मैं यहाँ बीच बीच में समय अनुसार वोला ये कहना चाहिए दिमाग ठीक करे खातिर गाय गाथ पहुँच दिया गावा जैसे गावा थे कथा तो कम से कम दूसरा धुन गा दो तो कम से कम थोड़े दिमाग ठीक हो जाते और ओकर बाद फिर अपन ठीक में आ जाते एक स्थिति गाए जाते बीच में ऐसे में जहाँ तक महसूस करता हूँ। दिमाग जीवित गा हो न लागे जीवित भी मगाए तुमन बाई ने अपनी कला में सामयिक तथा विकासात्मक विषयों को शामिल किया है। अच्छे समझते हैं कभी द्रौपदी चीरे हरण आ गए तो महिलाएं रोने लगती है कभी कुछ भी ऐसे वीर गाथा आ गए तो वहां के लोग नाचने भी लगते हैं बाहर के लोग। कौरव पांडव दल में कोई भी दुशासन बचाने वाले नहीं
शांति बाई का गायन नाटकीयता से भरा पूरा है। ये है हमारे घर का लागे हो ईमान से दौर के चरण में गिर के कहे सुनले महाराज कैसे लड़ाई लायावत हो सुनले महाराज कैसे लड़ाई ले आवत हो तोला बुलाए लाया हम वो सुन लेना नारी तहा तैयारी ले कर लेना लक्ष्मी बाई बंजारे के गायन में आध्यात्मिकता परिलक्षित होती है। संसार में पिता और पुत्र के नाता लेकर के एकदम और राजनीतिक धार्मिक ये सब उमंग घुसे है पर भी से धर्म सतह उमा ज्यादा आकर्षण सकते है। गुरुदेव अच्छा जी लखनी कुमार बालक के मुर्दा वही गंगा में राजा दुर्योधन के इकलौता बेटा की लाश आत रही राजा कहते रात ये लाश ल खींच के हाँ। इसी में पार बन जाऊं तो अच्छा है अच्छा जी। गदा में खींच करके बालक ले हाँ। और मुकुट के अंजोर मा हाँ। प्रकाश मा उकर मुख ल देखे लगी मुकुट ज्योति मुख देखन पाए करुण करत भूमि मन लाए डूबे पुत्र हमारे काजा करिए कहां भवन यत राजा अरे बेटा लखनी हाँ। आज तो भारत में राजा बना हूं के हम बेटा तोला भारत में डूबा डर बेटा लखनी बेटा कौन गंगा में डूब के मर जाऊं दाई का खा के जहर ला मर जाऊं ले देख के गीत भी गा लेथन नान छोटे मोटे जैसे शादी वादी प्रसंग आ गए तो छोटे मोटे गीत गा लेथन या भजन के प्रसंग आ गए कहीं दुखी टाइप के करुण कथा है तो उस समय करुण टाइप के भजन गा देथन ताकि वो लय जुड़ जाते मस्तक से जब आगी फेंके तो सब देवता भागे इस मनोहारी जनजातीय लोक रूप पंडवानी को अपनाने वाले नव गायक गायिकाओं की कोई कमी नहीं वे भी अपने ढंग से इस परंपरा के विकास में अपना योगदान देने की सदैच्छा रखते हैं। भोलेनाथ घर के जम्मो खटिया गोरसी उंडे भगवान कृष्ण एतन भैया भीम के शरीर में वहाँ कोमल हाथ फेरने लगे एक तरफ भीम हेतन तैयारी हो गए तैयारी हो के कथे की कहा है जरासंध राजा हा जब मैं उन्हें एक गदा से ना मारो तो भीम कहना छोड़ अर्जुन जब भैया एक ही बाण मारे बरहला तो तुरंत पृथ्वी में गिर के मर के शंकर भगवान वाला देख के महान क्रोध हो गए अरे तपस्वी ते मोर शिकार ला मार दे तो मैं तो प्राण नहीं बचा। मुझे लगता है के एक लोक रूप की जो परिनिष्ठता होती है एक बिंदु होता है उसके विकास का तीजन बाई तक आते आते पंडवानी ने लोक का खुरदरापन जो है उस दौर को पूरा कर लिया है और इस गायकी में इस लोक विधा की जो संभावना है वो आने वाले दिनों में एक तरह की शास्त्रीय गायकी की तरफ छलांग लगा सकती है और अगर ऐसा होता है तो हम इसके एक अद्भुत साक्षी होंगे। पति हरो हर मो बंध ना छोड़ो बंदी छोड़ तू भर छोड़ के हरी जी